जोधपुर में बवाल मचा हुआ है। ईद और अक्षय तृतीया पर दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई, इससे एक दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई। गुस्साई भीड़ ने पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। दोपहर से पहले तक स्थिति कंट्रोल में बताई गई है, लेकिन यहां दोबारा हिंसा की खबर आई। इन सब को मैनेज करने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई है, कई जगह लाठीचार्ज भी किया है। हंगामा कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। फिलहाल पुलिस ने फ्लैग मार्च का शांति बनाने की कोशिश की है। माहौल ऐड़ा हो गया कि भाटा चल रहे हैं, तेजाब आ रहा है, इस बारे में आपने कहीं कहना? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत चिंताजनक है। इन तरीके से जोधपुर ने मैं आज तक कभी अड़ो माहौल नहीं देखियो, जड़ो देखियो, मैं रात भर जड़ो रिगेटी बैठी रही हूँ। और मैंने एक बात समझ में नहीं आई कि विश्वजी मूर्ति ने मुंडो बंद नहीं, इन काड़ो कपड़ो ढकने नहीं, इनको आवश्यकता क्या पड़ी? ये शुरुआत इन्होंने यहाँ से की, ये अगर ये क्यों किया, क्या करने का क्या राज है? और फिर निवाज पढ़ने के बाद इन्होंने दोबारा इस तरीके से करना और पूरे जोधपुर के अंदर हाहाकार मचा दिया। किसी की मोटरसाइकिलें जला दी, मेरे मकान के बाहर दो मोटरसाइकिलें जला दी, मेरे आगे मंदिर है वो तोड़ दिया, उसके आगे कल्लो की गली के अंदर कर दिया, भीम जी का तैपे कर दिया। ये क्या तरीका है, ये क्या पुलिस क्या कर रही है? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ये गलत चीज़ है। मुख्यमंत्री का घर जिला है और इस तरीके से यह ऐसी वारदात हो जा। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गहलोत ने मंगलवार की सुबह ट्वीट किया, इसमें लिखा, जोधपुर के जलोरी गेट के निकट दो गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को हर कीमत पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा विधायक सूर्यकांत अभ्यास सहित भाजपा के कई धरने पर बैठ गए हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था ये चुनौती बनी हुई है। शांतिप्रिय प्रदेश राजस्थान जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कल की जिस तरीके की ईद से पूर्व संध्या पर जोधपुर में बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतार कर वहाँ जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई, ये एक बानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। इससे पहले जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर सोमवार की देर रात लाउडस्पीकर और झंडे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक एक समुदाय के लोग स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्वा की मूर्ति पर लगे झंडे को लेकर जालोरी इलाके में ईद को लेकर टांगे गए बैनर को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने झंडा और बैनर हटा दिया था, जिसकी वजह से हंगामा शुरू हुआ। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। जोधपुर में देर रात हुई पथराव की घटना के बाद जिला प्रशासन ने शहर में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों और अन्य स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात किया है।